बहुत ज्यादा हो गई है, मोमबत्तियों से बच कर रहिएगा। रात ज्यादा हो गई है, मोमबत्तियों से बच कर रहिएगा। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। कंपनी का हिसाब मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लॉर्ड बायलर, ये बताओ इस सम्मानित तोहफे को कौन पहुंचाएगा? मेरे हिसाब से तो वो रक्षक काफी जिम्मेदार होना चाहिए। आज ही वो दिन है जब 5 एस्कॉर्ट ब्यूरो में से कोई एक प्रतियोगिता जीतेगा। नियमों के अनुसार जो कोई एस्कॉर्ट लीडर सुनहरा झंडा खींचेगा वो जीत जाएगा। वो एस्कॉर्ट इंपीरियल ट्रिब्यूट की रक्षा करेगा। मिस्टर कुन, आप काबिल हैं, आपको मार्शल आर्ट्स में ऊपर आना चाहिए। मिस्टर कुन, चाकू और रस्सी कला में पूरे ग्रीनवुड और मार्शल आर्ट में आप उस्ताद हैं। दक्षिण से उत्तर तक कुल मिलाकर 13 प्रांतों में। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही कहा। दरअसल सब जानते हैं ये जाई शैन ने रचाया है। फर्क नहीं पड़ता कि रक्षा कौन करेगा, ये डिलीवरी डेड एंड होगी। दक्षिण पश्चिम दिशा में महान भाग्य है, ठीक है? मेरा आज का खाना वहां होगा। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी बताएंगे। मुझे पैसे तब दो जब मैं सही हूँ। मैं भगवान को बुला सकता हूँ, भूत भगा सकता हूँ और राक्षसों को पकड़ सकता हूँ। भला मेरा रास्ता किसने रोका है? चुप रहो,
मुझे जरा गिनने दो। शायद जरूरत नहीं, यहाँ मैं हूँ, समझे? गुआ डाबियन और मिस्टर बायन, कैसा हो सकता है कि मैंने आपको जो भविष्यवाणी दी थी वो गलत थी? सही कहा, तुमने कहा था मुझे धोखा दिया जाएगा और मेरी बीवी ने सच में मुझे धोखा दिया। ये सच है फिर? भले ही तुम्हारी भविष्यवाणी सच थी, लेकिन अब सब भाइयों के बीच में बड़ा कैसे बनूं? आज मुझे तुम्हारा मुंह तोड़ना होगा। तुम्हारी हिम्मत का जवाब, मिस्टर ब्रायन, आप ठीक हैं? अगर मैंने तुम्हें आज नहीं मारा तो मैं तुम्हें दादाजी बुलाऊंगा। जाओ। आप ठीक तो है ना? ये अंधे होने का नाटक कर रहा है, उसका पीछा करो। रुक जाओ, रोको उसे, रोको उसे। सभी लोग लाइन में। इस साल भी शून्य एस्कॉर्ट ब्यूरो मुझे लगता है जीत जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जरूर इसको जीतने वाला है। जरूर, ये सुनहरे झंडे की प्रतियोगिता महज औपचारिकता मानी जाती है। सिर्फ औपचारिकता, इंपीरियल ट्रिब्यूट डिलीवरी की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत के बिना वो अपनी जान गंवा देंगे और साथ में उसका एस्कॉर्ट ब्यूरो भी फंस जाएगा। मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास ऐसे कितने जीवन हैं जो तुम सिर्फ औपचारिकता कह रहे हो? रुको, रुको उसे, रुको, रुको, हिला मत, रुक जाओ तो, जल्दी करो। ए, कुछ तो इज्जत दिखाओ। पुराने स्कॉट्स को नए स्कॉट्स के लिए जगह बनानी चाहिए। दोस्तों, आप लोग आइए। अरे आप नहीं, आप पहले जाइए। शून्य एस्कॉर्ट ब्यूरो पिछले साल जीत गया था, आप पहले जाने के लायक हो। इस जरा नवाजी के लिए शुक्रिया, लेकिन दोस्तों आप ही को ही पहले जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप जाइए, मैं आपके बाद, आप जाइए पहले। बंदूकें कहां से चलने लगी? रुक जाओ, रुक जाओ। क्योंकि आप धीरे धीरे चल रहे हो, मुझे यहाँ पर हौसला बढ़ाने के लिए बुलाया गया है। जो धीरे चलेगा उसे हम गोली से उड़ा देंगे। भागो, भागो, जल्दी भागो, अरे भागो रे, भागो, जल्दी भागो, भागो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मिस्टर ना, विजेता जल्दी आ रहे हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, रुको, रुक जा, रुक जा, हटो, हटो, जाने दो, रुक जाओ, रुक जाओ, साइड हो जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम लोग, अरे साइड पे होना जरा। रुक जाओ, रुको, रुको, अरे रुक जाओ। रुको, रुको, भागना बंद करो, मैंने कहा रुक जाओ, रुको, रुको, रुको। तुम्हारी ऐसा नाटक करने की हिम्मत? हाँ।
भाग क्यों रहे हैं? बयान भाई अब मत भागो। बयान भाई मत भागो। बयान क्या वहां जाओ। अरे क्या कर रहे हो उसे परेशान मत करो। अरे वो कहाँ चढ़ रहा है? अरे वो कैसे ऊपर चढ़ सकता है? अरे वो क्या कर रहा है? प्रतियोगिता को बाधित कर दिया। मारो इन्हें। मैं ताकुन शिन्यून एस्कॉर्ट ब्यूरो का प्रमुख, तुम कप्तान हो? क्या कप्तान? तुम्हें यह भिखारी कप्तान लगता है? जो कोई भी सुनहरा झंडा खींचेगा वो ही कप्तान बनता है। हमारे कप्तान, हमारे कप्तान, हमारे कप्तान। क्या चल रहा है? हमारे कप्तान देखो सब लोग मुझे यहां से जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूं। हमने तुम्हारे जैसा कभी बेवकूफ आदमी नहीं देखा। देखो साथियों, सच में कहता हूं कि मेरे कंधे और हाथ दोनों कमजोर हैं। मुझे खत लिखने नहीं आता और मार्शल आर्ट्स भी, तो फिर मैं आपका कप्तान कैसे बन गया? देखो साथियों, मैं कहता हूं किसी और को चुन लीजिए। ये कप्तान सिर्फ तुम ही हो सकते हो। डामाबा, मिस्टर जिन को बताओ कप्तान होने के क्या क्या फायदे हैं। जी जरूर बताता हूँ। सुनहरी जिंदगी होती है, रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ। सबसे पहले कपड़ों की बात करते हैं हम। मिस्टर जिन, आप बहुत ही खूबसूरत और महंगे कपड़े पहनेंगे, बहुत ही महंगे जूते पहनेंगे। ये कपड़े महंगे रेशम से बने होंगे, जो इस शहर के सबसे अमीर लोग पहनते हैं वो कपड़े आपको मिलेंगे। एकदम राजशाही, आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव आएगा कदम दर कदम। ये तो रही कपड़ों की बात, अब हम बात करते हैं आपके खाने और पीने की। जब आप कप्तान बनेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन खाना मिलेगा। रोस्टेड चिकन मिलेगा, मुर्गियां मिलेंगी, डक्स मिलेंगे, बेहतरीन मछलियों का सूप मिलेगा। आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। इससे बेहतर खाना आपने जिंदगी में कभी खाया नहीं होगा, ना इससे अच्छे कपड़े ना खाना। आप खाने के साथ नाच गाना कर सकते हैं। इस शहर की सबसे बेहतरीन 13 परियां आपके साथ रहेंगी, जो आपके साथ साथ गाएंगी। आप मूवीज देख सकते हैं, आप जो चाहे वो करिए, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। खाओ पियो जिंदगी की ऐश करो। अब खाने और कपड़े की बात तो हो गई, अब मैं बताता हूँ कि आप बाहर किस तरीके से जाएंगे। मुझे बाहर जाने का दिखावा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर किस में दिलचस्पी है? मुझे एक बदला लेना है। ये कुछ नालायक चोर हैं। आप जैसे चाहे वैसे इनसे बदला ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे रुक क्यों गए? मारो इसे। मारो, 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 सिर्फ सफाई से करना, थोड़ी चोटों से मुझे कुछ नहीं होगा, पर अगर तुम ऐसे ही मुझे धमकाते रहोगे तो मैं वो सह नहीं सकता। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ बूढ़ी है, वो विधवा है और उन्होंने तुम्हें बड़ा किया, ये आसान नहीं है।
अरे उन्होंने उसे पैसे क्यों दिए? ये पैसे लो और कुछ व्यापार करो, एक बेहतर जिंदगी जियो। अरे ये क्या, इन्होंने ऐसा क्यों किया? आप जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, अब लड़ेंगे नहीं। पुण्य के साथ प्रतिशोध, इसे ही उन्नति का मार्ग कहते हैं, समझ गए? सब कैसा रहा मिस्टर जिन? इस बार आपने कप्तान होने के फायदे देखे हैं ना? लेकिन फिर भी एक दिक्कत है। वो क्या है? अगर कप्तान बनना इतनी बड़ी बात है तो आप लोग क्यों नहीं बनते? कौन कुत्ता मरे जा रहा है? मिस्टर जिन, मिस्टर जिन, कुत्ता नहीं मैं हूँ। गुआ दाबियान, मिस्टर जिन, मैंने सोच लिया है, मैं अभी आवारा गति नहीं करूंगा, गैंगस्टर्स की तरह नहीं घूमूंगा, मैं अभी आपकी सहायता करूंगा, और अब आप मेरे गुरुजी। देखिए, मैं अपने हथियार भी लाया हूँ, ये अच्छा है ना? अरे ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं आता इसमें से। आप कप्तान हो, कौन आपको धमकाने की हिम्मत करेगा? अब आगे से आपके आदेश के बाहर कभी नहीं जाऊंगा। कप्तान चले गए हैं, अब इस डिलीवरी की रक्षा कौन करेगा? उसे ऊपर लाओ। मिस्टर कुन, मैं तुम्हारे इस कप्तान को खुद यहां लेकर आया हूं, तो तुम्हें इस यात्रा की रक्षा करनी होगी, समझ गए? दामाबा, मुझे क्या कहना है? वो मैंने आपको बताया था ना, फिनिक्स वाली बात 3 बार। ओह ठीक है, 3 बार मुंडी हिलाओ, फिनिक्स। अब हम एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ जाएंगे, इस डिलीवरी को करेंगे सुन्योस्कार। चलो वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। सब हो गया ना? सब हो गया, मैं वादा करता हूं कि कोई भी नहीं बचेगा।
कप्तान की रक्षा करो। पहाड़ों पर हथियारे हैं, पकड़ो उन्हें। सुनो, जल्दी जाओ उन्हें पकड़ने। अरे तैयारी तो तुम्हारी काफी अच्छी है। वैसे भी ये आउटपोस्ट है, असली हथियार तो हमें आगे मिलेंगे, क्योंकि इस इलाके से लेकर के हमें जहां तक पहुंचना है वहां तक सभी हमारे दोस्त हैं। समझ गए ना? घबराने की कोई बात नहीं। ए, हिलना मत। रुको यहीं। रुको वहीं। हिलना मत। हिलना मत। रुको। ए सुनो तुम सब, सीधे सीधे यहाँ पैसे रखो और निकल जाओ यहाँ से, समझे? नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनिए, क्या करना चाहिए? घबराइए मत, पहले बातचीत करते हैं। हाँ सही कहा, मेरी वो किताब कहाँ पर है? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जिन टियान हूँ, शून्यू एस्कॉर्ट से। फिलहाल मैंने दोस्त के कपड़े पहने और दोस्त का खाना खा रहा हूँ, और मैं इस रास्ते का आपका दोस्त हूँ। बल्कि दोस्त नहीं, आप तो मेरे भाई हो, बल्कि आप तो मेरे ऊपर हो और मैं आपके नीचे हूँ, और हम एक परिवार की तरह है। परिवार? हाँ, हम एक परिवार है। कौन सा परिवार? मैं पहाड़ों से हूँ, वही मेरा घर है। कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़ाई करना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है ये हमारे दोस्त नहीं है। क्या कहा? आप लोगों की दोस्ती नहीं है, वो भी जंगल के राजाओं के साथ? हाँ, कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब इनसे कोई दोस्ती नहीं है हमारी। भाइयों, सभी लोग तैयार हो जाओ, दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, हथियार लेके मोर्चा संभालो। मिस्टर चिन, लगता है इस बार हमें लड़ाई करनी होगी, आप बच के रहिएगा। क्या बकवास है, ये डाकू लोग हमें यहाँ मारने आ रहे हैं। कप्तान को बचाओ। ठीक है, उनकी रक्षा मैं करूंगा। सही है, जो तुमने थोड़ी देर पहले किया था लगता है बचा लोगे। तुम लोगों का कप्तान कौन है? बताओ मुझे। तुम ना इधर आ। डकैती कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर लड़ाई हो सकती है तो बहस क्यों करें? सही कहा ना? देखो मेरी तरफ। तुम बड़े वफादार हो, मुझे दिखाओ कि तुम कितने वफादार हो। हमारे कप्तान को बचाओ। हम लोग को माफ कीजिए, हम लोग सच में घुसखोर नहीं है। वो तो बस इन लोगों ने मुझे इनका साथ देने के लिए कहा था, और मैंने इन्हें मना भी किया था। यकीन मानिए, कृपा करके दया दिखाइए मालिक, और हमें माफ कीजिए। ओए लड़के, तुम मान गए कि तुम हार गए? हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई अंधा भी आपके हाथ में इतनी बड़ी बंदूक देख ले ना, तो वो भी हार मान जाएगा। हाँ।
ए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, चल इधर आकर खोल इसे। देखिए, अगर हमने इसे ऐसे खोल दिया हमारे ग्राहक बुरा मान जाएंगे, ये ठीक नहीं होगा। तो मैं क्या उससे डरता हूँ? इस डकैती के लिए मैंने जान दांव पर लगाई है, इस बक्से पर मेरा भी पूरा हक है। इसे नहीं खोल सकते, अगर सील टूट गई तो मिस्टर कुंग के साथ सब मारे जाएंगे। चुप रहो, पहले हम अपनी जान बचा लेते हैं, ठीक है? सुनो मालिक, मैं करके देता हूँ, मैं ये खोल के देता हूँ। क्या आप मुझे आजाद कर सकते हैं? जरा सुनिए, मुझे भी खोलिए, मैं उनकी मदद करता हूँ बक्सा खोलने में। खोलिए ना, खोलिए ना। मिजाज, जल्दी कर। क्या हो रहा है? ये विस्फोट कैसा था? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कहाँ है? ज़ॉम्बी! अरे भगवान! सुनो, सुन रहा है कोई? कमीने, मैं यहाँ हूँ। इधर जी। आया आया। यही सही मौका है, चलो भागते हैं। गुरुजी, मुझे खोलिए। चलो चलते हैं, चलो जल्दी। भूत पिशाचों को पकड़ना मेरी खासियत है, अभी दिखाता हूं। ये रहा मेरा टोटका। गुरुजी, आपने मुझे क्यों काटा? क्योंकि तुम नाबालिग हो और यांग में ताकतवर भी। ये काम कर गया? क्या ठीक है? तुम यहीं पर खड़ी रहो जब तक मैं ब्रह्मास्त्र नहीं निकालता, मैं तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। चलो। गुरुजी! जल्दी करो, जल्दी करो, चलो जल्दी।
रुक जाओ, बस हो गया। यहीं पर रुको, मैं और नहीं भाग सकता। गुरुजी, अब हम क्या कर सकते हैं? रुको, सोचने दो। अगर हम इसे ना पहुंचाए तो? नहीं पहुंचाएंगे, वो बक्से में से ज़ॉम्बी निकला है और हमें पता नहीं वो कहाँ है। ये बढ़िया है, हम जाकर उन्हें कह देंगे कि हम वो नहीं पहुंचा पाए, ठीक है ना? नहीं पहुंचा पाए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अया, वो नहीं है, वो ठीक है, वैसे हमारे जैसे बहुत है। वैसे मेरे पुराने गुरुजी भूत और लाश को पकड़ने में माहिर है, उस ज़ॉम्बी को पकड़ने की चिंता मत करो। उसकी जरूरत नहीं है, ये तो वही है। हेलो मत, गुरुजी आप तो बड़े कमाल हो, आपने उस ज़ॉम्बी को हाथ भी लगाया। मुझे ज़ॉम्बी मत कहना। अरे सुनो, ये तो जिंदा है, देखो देखो। मुझे छूना बंद करो। ये इंपीरियल ट्रिब्यूट है, अगर हमने उसे पकड़ा तो हम सौदा रद्द कर सकते हैं। गुरुजी आप बहुत भारी हो। चलो उसे जल्दी से पकड़ो, उसे जाने मत दो। सही कहा, पकड़ो उसे, जल्दी करो। चलो भाइयों, जल्दी करो। मेरा पैर, मेरा पैर, मेरा पैर। एक और पीकर शायद कुछ आराम मिले। मालिक, इस शराब को आपको चेहरे पे डालना चाहिए अपने, बुरी आत्माओं का साया खत्म हो जाएगा। पीछे हट। तुम हरामियों के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं शाकाहारी बहुत बन सकता हूँ, क्या तुम हिल मत, पियो। जल्दी चलो, जल्दी चलो, रुको मत। सुनो, तुम किससे बात कर रहे हो? तुमसे मोहतरमा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? ठीक है बहना, हम कहीं रुकते हैं, हम थक गए। सिस्टर, मैं तुम्हें डंडे से मारूंगी। शर्म करो कुछ, तुम इतने अच्छे नहीं हो। प्रतिष्ठित सैन्य अनुरक्षक कार्यालय ने ज़ैनशी और नातो को एक कमीने रूप में माना, तुम्हें शर्म नहीं आती इसके बारे में? अरे तुम है? ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी सुरक्षा करें। तुम्हें ज़ैनशी और नातो ने बेवकूफ बनाया है। तो इसका मतलब तुम एक नौकरानी नहीं हो? नौकरानी? हाँ, मेरा मतलब है तुम्हारे पेट में राजा का बच्चा है ना, और इसीलिए तुम्हें महल से भगा दिया था। नहीं, तुम हवेली के नौकर हो, तुम सभी एक जैसे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, देखो जो भी सच्चाई है वो हमें बता दो ना, और ये भी बता दो कि तुम इस मसले में कैसे फंस गई, और नातू ने हमें तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए क्यों कहा, हमें साफ साफ बताओ ना। तो बात ये है कि ये बहुत बड़ी कहानी है, जल्दी करो। हे भगवान, ये तो काफी अजीब लड़की है। खैर कोई बात नहीं, अरे मालिक, 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 आखिर आप आ ही गए। आज क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में तो उन्हें 1,000 टन चांदी के लिए लूटने में कोई समस्या नहीं थी, है ना? लेकिन आपने बताया नहीं कि उस बक्से में एक लेडी ज़ॉम्बी है। तो तुम सबने देखा उस बक्से में क्या था, सही कहा ना? हाँ, नहीं तो क्या मैं इतना घबराता? वो ज़ॉम्बी और स्कॉट कहाँ गए? क्या कहा? वो सब भाग गए, अगर ना भागते तो मैं निपट जाता। लॉर्ड ना, आज के काम के लिए हमें थोड़ा श्रेय तो देना ही होगा, क्या कहते हो? तुम्हें और पैसे देने होंगे। हाँ थोड़े और। तुमने कहा कि तुम्हें सिर्फ ज्यादा पैसे चाहिए, है ना? हाँ। सही कहा। मैं तुम्हें
जो चाहे वो दूंगा। इतना के आराम से अगले जीवन में जा सको। अरे सही कह रहे हो। मार दिया। और पैसे चाहिए। मुझे अभी और गंदगी साफ करनी है। क्या हम यहीं रुकने वाले हैं? हम अंदर नहीं जा सकते? मेरे पैर में चोट लगी है, मेरे बिना क्या तुम अकेले उनसे लड़ पाओगे? तो तुम शू शिचैंग की बेटी हो जो यहाँ के राज्यपाल हैं। किसने कहा? नहीं, तुम जैसी एक लड़की ये सब काम कैसे कर सकती है? तो आप जैसा बेकार कप्तान हो सकता है, लेकिन कोलिन परिवार की लड़की नहीं, अविश्वसनीय मार्शल आर्ट के साथ। देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मैं थक गई हूँ, कल बात करते हैं। मेरी बात सुनो, ये कार्यालय में रहे सैकड़ों लोगों के जीवन की बात है। ठीक है, लेकिन सिर्फ देवी होने के नाते मैं तुम्हें बताऊंगी। जब से क्विंग डायनास्टी ने बॉक्सर प्रोटोकॉल पर विचार किया है, राजकुमार क्विंग इन जिन्होंने अपने देश को धोखा दिया, उन्होंने आंतरिक और बाहरी शक्ति को मजबूत किया। वो अंधेरे में रहा और उसने अपने बेटे जैशिन और शाही दूत नातू को शक्ति के धन का व्यापार करने और विदेशियों के साथ अफीम की तस्करी करने का निर्देश दिया, इसलिए उसे क्विंगना कंपनी कहते हैं। तो आगे क्या हुआ? क्विंगना कंपनी को गिराने के लिए पिताजी सम्राट को बताना चाहते थे, बस उनको कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और राजधानी में राजकुमार क्विंग के बहुत सारे चमचे थे। मेरे शहर में प्रवेश करते ही वो मेरे बारे में जान गए। अच्छा, इसीलिए तुम्हें उस बक्से में डाला था ताकि तुम उन्हें हरा नहीं सकती? ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें हरा नहीं सकती, पर उनके तरीके बहुत नीच हैं, बस इसलिए। तो इसका सबूत क्या है? खाता बही, क्विंगना कंपनी की खाता बही। मुझे एक और सवाल है। पूछो। मुझे ये बताओ कि जाय शैन ने तुम्हें मार क्यों नहीं दिया, बल्कि वो उसकी रक्षा कर रहे थे। वो मेरे पिताजी से डरते हैं। मेरे पिता सीमांत अधिकारी हैं। अगर मैं उस कमीने जैनशे के हाथों मारी गई तो मेरे पिताजी मुझे बचाने जरूर आते। ये हार की स्थिति उनके लिए अच्छी बात नहीं है और उन्हें हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तुम? अच्छा, इसीलिए हमें रास्ते में अड़ाया गया था ताकि वो लोग हमें रुका कर हमें मार देते और रास्ते में उस बक्से की चोरी हुई है ऐसे दिखाते, और इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम पूरे के पूरे बेवकूफ नहीं हो। तो तुम्हारे पास अब ये दो रास्ते हैं, सोच लो। या तो पेकिंग जाओ और अनुरक्षकों के साथ मर जाओ, या फिर क्विंगना कंपनी को गिराने के लिए कार्यालय को जोड़ने में मेरी मदद करो। तुम्हारे लिए मेरी जान जोखिम में डालना कितना सही है? अगर तुम अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे तो मारे जाओगे। ये भी सही है, मेरे पास एक और रास्ता है, सुनोगी? कौन सा रास्ता? बत्ती इतनी जल्दी बंद हो गई? आपको क्या लगता है, बात आगे बढ़ रही है? वो मर्द और औरत के बीच की भावनाएं बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। भाई सुनो ना, क्या हम भी साथ में सोने जाए? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है? इतना सारा पैसा? भाई माँ, तुम मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो? क्या ये, क्या आपको मेरे लिए कुछ है? भाई, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। अरे मैं भी उस तरीके का आदमी नहीं हूं मेरे भाई। ये पैसे तुम्हारे लिए हैं मिस्टर कुन की तरफ से। क्या मिस्टर कुन? उन्होंने मुझसे कहा था कि इस यात्रा का अंत चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंत में तुम लोगों को अकेला छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि तुम हमें छोड़ के जा सकते थे, लेकिन
फिर भी उन्होंने तुम्हें इसमें खींचा। अरे नहीं, मुझे लगा नहीं था कि मिस्टर को इतने अच्छा आदमी है। मुझे लगता है मुझे मानना ही होगा कि वो अच्छा आदमी है। गुरुजी की तरफ से मैं धन्यवाद कहता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। चलो चलते हैं भाई, मैं तुम्हें आराम करने ले जाता हूँ। अगर बाद में कोई मदद चाहिए तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। अरे यार मेरा पैर बहुत अब भी दर्द हो रहा है, मैं पकड़ता हूँ। भागना चाहते हो? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैंने बेइज्जती नहीं की, पर मैं करूंगी। तुम्हें धीरे धीरे चोट पहुंचाऊंगी। अगर कोई चीज मर्द को मर्द बनाती है तो तुम क्या कर रही हो ये? देवी मैं हार मानता हूँ, जो तुम कहोगी मैं सुनूंगा। सच? तो ठीक है, बात पक्की हो गई। तुमने मुझे क्या खिलाया? ये मेरा बनाया हुआ बहुत जहरीला जहर है, समझ गए? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी कुछ भी अनाप शनाप खिलाकर? तुम अभी बच्ची हो। भरोसा नहीं है तो चल के दिखाओ। क्या मैं तुमसे डरता हूँ? अगर तुम क्विंगना की खाता वही लाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एंटीजोड दे दूंगी। तुम बहुत बुरी हो, तुम तो जाईशेन से भी कहीं गुजरी हो। मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। मिस्सू मेरी बात सुनो, मुझे खोल कर तो जाओ। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, बाद में पूरा होटल जला देना। समय बर्बाद मत करो, क्या इन बेवकूफों को मारने के लिए तुम्हें इतना समय लगेगा? मैं तुमसे बात मुझे पता था तुम आओगे।
गुरुजी आ जाइए। जीत गया। ईंट का बदला ईंट से और खून का बदला खून से। लॉर्ड बायलर, ऐसे पक्षी को रख के क्या फायदा जो कोई गाना न गा सके। मैं जीने के लायक नहीं। अगर उनमें कमी नहीं थी तो तुम में थी कमी। दामाबा ने एक बार कहा था कि वो पूरी दुनिया भर में घूम चुके हैं, अगर उनकी मौत उनके गांव के बाहर होती है तो चाहे जो कुछ भी हालात हो उन्हें वापस घर लाया जाए। इसे कहते हैं जमीन से जुड़ना। लेकिन अफसोस, हम दामाबा को वापस नहीं ला पाए। मैंने आपको परेशानी में, बिल्कुल तुमने ही हमें परेशानी में डाला है। तुम रईस जादों को दिन भर में करने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए आपस में लड़ते बैठते हो। जिसके पास भी राजगद्दी होती है ना, उसे आम लोगों की कोई पड़ी नहीं होती। गुरुजी, इसे पीजिए। आप पियेंगी? मुझे मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। अब जाओ। जाओ? लेकिन कैसे? तुम निकल जाओगी पिताजी को ढूंढने, लेकिन हमारा क्या और हमारे बाकी साथियों का क्या? सभी को भुगतना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। मैंने मेरे पिता से वादा किया है, मैं लोगों को बचाऊंगी। अब आगे से इस जगह का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब जब मिस सू ये कह रही है तो चलिए गुरुजी, चलिए गुरुजी चलते हैं, चलिए गुरुजी चलते हैं। हम एक दूसरे पर निर्भर है, हमें जगह ढूंढनी है। चलो। क्या
मुझे एंटीडोट तो दो। नहीं है। नहीं है? अगर तुम्हारे पास एंटीडोट नहीं है तो तुमने मुझे वो जहर क्यों खिलाया? वो झूठ था, वो एक बकरे का बॉल था। हाँ, अच्छा लगा सुन के कि वो जहर नहीं था। सुखसन, तुम यहाँ मिली हो, ऊपर मत मिलना। उल्टियां करके मेरे पैर कमजोर हो गए। सुनो तुम चले जाओ। पर गुरुजी, क्या मतलब है आपका? आप मुझे जानबूझकर भेजना चाहते हैं? आपको लगता है मैं किसी काम का नहीं? तो मैं आपको बता दूं, मेरे बिना पैकिंग शहर में आपका कोई काम नहीं। वो सही है, नातू अभी पैकिंग में ही होंगे, रुके होंगे कि हम चलकर उनके पास जाएं। देखा गुरुजी, मेरे बिना कौन आपको बचाएगा? तो मतलब तुम नहीं जा रहे हो? मैं गुआ दबियान जियांगू का धर्मी आदमी माना जाता हूँ, पर लेकिन मैं पहले पैसे बचाऊंगा, क्योंकि हमें कुछ तो करना होगा। सही कहा ना गुरुजी? मिस्टर कू, सब हो गया, अब आप क्या करेंगे? आराम से। यहाँ पे एक आदमी तो होना ही चाहिए। लेकिन नातू और दूसरे लोग? मैं अपने ब्यूरो की प्रतिष्ठा को खोने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मिस्टर कुन, ईगल क्लॉसन आए हैं। चलो मेरे बीवी और मेरे परिवार को सुरक्षित करो, पीछे से जाओ। जी हाँ। दरवाजा बंद करो। हे रुको रुको, हिलना मत, अपने घुटनों पे चलो। महाराज लौटना। मैंने सुना कि मिस्टर कुन भाग रहे हैं, तो मैं यहां तुम्हें अलविदा कहने आ गया। सिर्फ ये लोग जा रहे हैं, मैं यहीं खड़ा हूं। अच्छा तो ऐसा है, ठीक है मिस्टर कुन, मुझे एक चीज दे दोगे तो मैं सबको जाने दूंगा। क्या चाहिए? तुम्हारा सिर। तो मतलब के आप मुझे सच में मारना चाहते हैं? तो क्या तुम मेरे खिलाफ लड़ोगे? हाँ सही है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम गद्दार कहलाओगे और मैं इन सबको मार डालूंगा। मुझे लगता है कि ऐसा करना सही होगा। मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं। मिस्टर कुन, आप मार्शल आर्ट्स में अच्छे हैं और बेशक आप लड़ सकते हैं, लेकिन इन सब का क्या? ताकुन, ऐसी गलती मत करना, तुम्हारी हर गलती पर तुम्हारा एक परिवार वाला मरेगा। क्या तुम अब भी विरोध करोगे? नहीं, मत मारो, छोड़ दो। जब तुम सूजुन और उस कप्तान का सिर मुझे ला कर दोगे, तब मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा, नहीं तो
अभी से मैयत की तैयारी कर लो। ले चलो इन सबको। चलो उठो, चलो 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 उठो, चलो 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 जल्दी, चलो 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 जल्दी, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। यहीं रुको, चलो आगे। तुमने इस आदमी को देखा है? रुको रुको, ए रुको रुको, वहीं रुको। ओहो रुक जाओ। जी साहब, हमारे पास महाराज का शाही फरमान है, हर आने जाने वाले के ऊपर नजर रखनी है। साहब, डिब्बे में सिर्फ औरतें हैं तो उनके लिए सही नहीं होगा। चुप करो, जो मैंने कहा वो चल के दिखाओ। ए, चलो आगे जाने तो, चलो चलो उतराओ, रुको मत रुको। ए, चलो आगे जाने तो, चलो चलो उतराओ, रुको मत रुको। मोहतरमा, एक सैनिक है जिसे आपकी जांच करनी है। हाँ, वो करने दो ना उसे, मेरी खूबसूरती देख के वो घायल हो जाएगा। मिलती हूँ कन खजूरे। सुनो, पूछो उनसे कि क्या हम जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। जल्दी जाओ, जाओ जाओ यार, जल्दी जाओ। अरे नजर मत आना, जल्दी निकलो। धन्यवाद साहब, मोहतर में चलते हैं। जल्दी जाओ, चलो। अरे सुनो, तुम अभी उठ क्यों गई? हम अब तक पहुंचे नहीं हैं। अगर मैं सोई तो मैं मर जाऊंगी, तुमने पैर साफ नहीं किए। गुआदाबियान। जी गुरुजी। बाहर जाकर सबसे कह दो कि मिस्टर कू अब नहीं रहे। गुरुजी, हम निकल सकते हैं। निकलने से पहले मिस्टर कू ने दामाबा को कहा कि इस यात्रा का जो भी अंजाम आता है, जब तक ये पूरा हो जाता है हम जा सकते हैं। मिस्टर कू ने ये भी कहा था कि तुम्हें इसमें खींचने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। कप्तान को बचाओ। चलो भाइयों, स्कॉट को बचाओ, जल्दी जाओ। उनकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी और मैं सबका बदला लूंगा।
प्रतिशोध के लिए वक्त लगता है। इन दिनों हम छिपे हुए हैं, पर नातु और जायशन दिख रहे हैं, और इसी बात का फायदा उठाते हुए हमें दुश्मन को समझना चाहिए। इस वक्त के दौरान के जायशन के हमारे अवलोकन के अनुसार राजकुमार क्विंग की हवेली पर भारी बहरा है और हथियार से काम नहीं होगा, और जब भी वो बाहर जाता है वो कई सैनिकों से घिरा होता है। हमले के लिए मजबूर करना एक पत्थर को अंडे से मारने जैसा है, हालांकि ये पूरी तरह खामियों के बिना नहीं है। जायशन वो रेड लाइट एरिया के जाने माने मेहमान है। हाल ही में वो युशी होटल के ओइरान पर मोहित हो गया था। उसका नाम लुई लांजियो है। ये लुई लांजियो बहुत मशहूर, खूबसूरत और गुणवान है। हमें अभी अभी पता चला कि उसका असली सर नेम जेंग है और वो जेंग पिंग शोंग की वंशज है। राजकुमार क्विन ने उसके परिवार को झूठे आरोप के साथ बर्बाद कर दिया। जब वो छोटी थी तब उसे वेश्यालय में वेश्या बनने के लिए छोड़ दिया। कई सालों से उसने अपमान सहा और जायशेन से संपर्क किया। मुझे लगता है उसकी कुछ योजनाएं होंगी। बदला लेने के लिए दूसरा तरीका, हमें दुश्मन के नजदीक जाना होगा, ये देखने की वो कहाँ गलती करता है। गोवा दाबियान, तुम्हारा ये काम है कि तुम हमें युकाई रेस्टोरेंट लेके जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, वो अब मेरी जगह है। वेश्यालय? शांत मिस्सू, तुम्हारी आधी मर्दानी रूप से मुझे नहीं लगता कि तुम वेश्या बन सकोगी। उसके लिए मेरे पास और योजना है, लेकिन तुम्हें मुझे वहां अंदर घुसाना होगा। मेरे ख्याल से आपके आकर्षण, रूप और व्यक्तित्व के साथ आप बन सकते हो यूशिव रेस्टोरेंट में शेफ मैन सर्वेंट। अब नौकर भी अनियंत्रित हो गए हैं और मेरे कमरे में आने की हिम्मत की है तुमने। मिस लियू सुनो, आपका असली नाम गेंग है, आप गेंग पिंगजोंग के वंशज हो। याद है हैन आर्मी का पीला झंडा? राजकुमार ने झूठे आरोपों से आपके परिवार को बर्बाद कर दिया और आपको इस जगह पर बेच दिया था, और तभी से आप इस वैश्य खाना में लियो लंजाओ बनकर घूम रही हैं। तुम क्या चाहते हो? वही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुमने जानबूझकर जायशेन को खुश किया, ये तुमने क्यों किया? मिस लियो, देखो बात यह है कि हालांकि मैं ताकतवर नहीं हूं, पर मुझे मेरे परिवार का बदला लेना है। पर तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है। मिस लियो, आप जरा शांत हो जाइए, हम दोनों एक ही नाव में हैं। तुम्हें भी उससे नफरत है? मुझे एक जान की बाजी खेलनी है, मेरे और मेरे भाई के लिए। इधर, मेरे पास अभी अभी एक खबर आई है। सिर्फ 2 दिन में नातु परिवारों को बाहर ले जाएगा और चुपके से उनको मार डाला जाएगा। लगता है हमारी बारी आ गई। तुम्हारी योजना क्या है? डकैती? सिर्फ डकैती ही नहीं, मुझे एक पत्थर में 2 पंछी मारने हैं। गुआदाबियान जी, गुरुजी, मुझे कुछ हथियार चाहिए। क्या आप मुझसे चोरी करवाना चाहते हैं? नहीं। ये मैं हूं। तुम सबको भी खत आया है? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर कुन मारे गए और शिनरू एक्सकॉर्ट ब्यूरो के लोग गायब हैं। इसके पीछे कौन हो सकता है? हमारे 5 अनुरक्षों ने पहले शपथ ली थी, पर दबाई आ गई और हमें बचना पड़ेगा। मिस्टर कुन ने मदद ना करने के लिए आरोप लगाया है और इसलिए वो हमें ढूंढ रहे हैं। और वैसे भी हम सब साथ हैं, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा।
हम पूरे मार्शल आर्ट्स की दुनिया के मास्टर हैं। हमसे मुकाबला करना तुम्हें भारी पड़ सकता है। अगर शून्यो नहीं रहा तो तुम्हें लगता है कि तुम कार्यालय बचा सकते हो? वान वो चांग कप्तान है। मुझे कुछ पूछने दो, पांच धर्मी अनुरक्षक गठबंधन बकवास है या नहीं? नहीं तो नहीं, नहीं। पर मिस्टर कोन, आप तो मर गए थे ना? जाइशन के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद कौन करेगा? ऊपर वाले की कुछ योजनाएं हैं। इस अनजान दुनिया में लंबे समय तक एक मसीहा रहा है जो पांच कार्यालयों को कठिनाइयों में हल करने में मदद करता है। एक मसीहा? सोने और लोहे के घोड़े, बढ़ती मजदूरी और आग। सोने और लोहे के घोड़े, बढ़ती मजदूरी और आग। जिन ध्यान क्या कप्तान? कप्तान, कप्तान? मिस्टर कुन का चुना हुआ आदमी भरोसेमंद होगा। इस वक्त हम आग और पानी से नहीं डरेंगे, सिर्फ इस तरह हम अपने अपराध से बाहर आएंगे। जरूर हम मदद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम मदद के लिए जान खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। लॉर्ड बॉयलर, मैं सोच रहा था कि चारों एस्कॉर्ट बहुत पहले एक साथ आ गए होंगे ताकि वो एक के बाद एक राजधानी से निकल सकें। मुझे लगता है एक पालतू कुत्ता भी तुमसे ज्यादा काम का है। मैं अभी उन्हें पकड़ने के लिए किसी को भेजता हूं। इसकी जरूरत नहीं है, अब तक तो वो जा चुके होंगे। उनके परिवार को मार दो, सभी को। लेकिन मेरे जाने के बाद सूजन और बाकी लोगों ने परेशानी पैदा की तो? मिस सू मेरे पिता को हरा नहीं सकती है और वो लड़की मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। लॉर्ड बॉयलर, आप सही हैं। लेकिन आप लॉर्ड ना, आपने अभी भी कोई कारनामा नहीं दिखाया। लॉर्ड बॉयलर, इस बार ब्यूरो को मैं सच में खत्म कर दूंगा, भरोसा करिए। लॉर्ड बॉयलर, ये मिस लू की तरफ से आया है आपके लिए। मिस लू से जाके कह दो आज रात में मिलने आऊंगा। जी हाँ। तुम्हारे यहां रुकने का कोई खास कारण है? जी मैं लॉर्ड ना, अगर इस बार काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो वापस आने की जरूरत नहीं है। जी ओ भाई, मजा आ गया यार। चलो चलो सर, यहाँ आइए, चल के देखें क्या। अरे देखो, मजे करिए, ऐसे सही बाजार लगा है। लॉर्ड बॉयलर, आखिर तुम आ ही गए। आइए आइए, अंदर आइए। Thank you.
लॉर्ड बायलर, अंदर मत आओ। बहुत बदमाश लड़की हो, क्या इस बार कोई नया पैतरा अपना रही हो तुम? मुझे एक जरूरी बात पूछनी है। पूछो। लॉर्ड बायलर, तुम्हारे साथ ये बेवकूफ आदमी हमेशा होता है। आप जब भी मुझसे मिलने आते हैं तब भी वो आपके साथ होता है, आप साथ रखते हैं, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा क्यों है? उस आदमी पे ध्यान मत दो तुम। हालांकि मैं रेड लाइट एरिया से हूँ, पर मैं अभी भी लड़की हूँ, शर्म और आत्मसम्मान से। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मेरा मन नहीं होता तो मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। और लॉर्ड बायलर की कृपा के बिना मेरे जीवन का अर्थ क्या है? ठीक है, आज जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। मालिक, बाहर जाओ। जी। धन्यवाद लॉर्ड बायलर। ये भिखारी कहां से आ गया? जल्दी निकलो यहां से। कौन है ये? मैं मेरे बैम्बू बोट के साथ आया हूँ और मैंने रेड लाइट एरिया देखा है। वो नीले ईंट और सोने के टाइलों से बना है जिसमें लाल दरवाजा है, कांस्य गोरे चैट की तरह। अच्छे से गाना गाओ, अगर तुमने गाया तो शायद मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं। क्या आप मुझे दो बैग पैसे दे सकते हैं? दो चांटों के बारे में क्या ख्याल है? उसकी बात करें तो तीन किंगडम डायनेस्टी का वेतरन हुआंगाई ज़ियाओ यू से हार गया था। वो गलत या सही मायने नहीं रखता, ज़ाई शेन मार खाने के ही लायक है क्योंकि उसने सत्ता के लिए रिश्वत ली और सम्राट से झूठ कहा। क्या कह रहे हो? तो क्या मैं भिखारी होकर सच नहीं बोल सकता क्या? तुम्हें सजा से डर नहीं लगता? देखिए जनाब, तुम में हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। तो कहाँ जा रहा है? रुक जा। लॉर्ड बायलर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम बदमाश लड़की हो, मुझे तोहफा बहुत पसंद आया। बचाओ 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 मुझे, बचाओ बचाओ। अबे मैंने कहा रुक जा। बचाओ मुझे, बचाओ। कहाँ भाग? बचाओ। बचाओ। मैं दूसरा काम करने जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ का संभालो। फिक्र मत करिए आप। अरे चेहरे पे ये बाल कैसे लग रहे हैं? तो ओका, तुम कौन हो? तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हारे हाथों एक बार मर गई थी, तुम भूल गए? 8 साल पहले गैंग परिवार के 13 लोग मारे गए थे। गैंग के बेटों को तुम्हारे द्वारा गांव की तरफ भेजा गया। पिछले 8 वर्षों से मैंने अपमान सहा है और मैं इस दिन के लिए राजधानी वापस आई। आखिर तुम हो कौन? हाँ, अगर तुम भूल गए हो तो ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। बंद करो लॉर्ड बायलर। लॉर्ड बायलर, लॉर्ड बायलर, शांति से। लॉर्ड बायलर, आराम से। पता है, ये मुक्का मिस लियू के लिए, ये मुक्का है मिस्टर कू के लिए, और ये मुक्का है दामाबा के लिए। रुक जा, मत मारो। अब और मत मारो, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब तक मेरा मुक्का तो बाकी है। रुक जाओ ना, हम बात कर सकते हैं। अगर तुमने मुझे जाने दिया तो तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे किंग ना का खाता बुक चाहिए, जल्दी दो। किताब? कौन सी किताब? मुझे पागल मत समझो। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। वो मेरे घर पे रखी है, मैं उसको किसी को भेज के मंगवाता हूँ। रुक जाओ। हाँ,
कमीने आदमी, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की ना, अब मेरे सैनिक आएंगे यहाँ पर और तुम सबको मार डालेंगे। कहीं नहीं कहेंगी। रुक जा साले। हे भगवान, यहाँ झगड़ा कैसे हो रहा है? कोई तो बचाओ। अरे झगड़ा मत करो, बचाओ, भागो बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। लॉर्ड बॉयलर के आदेश अनुसार ताकुन के पूरे परिवार को मौत की सजा मिली है। चलो। मार दो उन्हें। चलो भाइयों आगे बढ़ाओ। जल्दी जाओ। चलो। भगवान को साक्षी मानकर सम्राट ने घोषणा की है कि राजकुमार किंग क्विंगिन और चीफ बायलर जायशी येन और शाही दूत नातू, जो क्विंग ना कंपनी चलाते थे, उन्होंने स्वार्थ के लिए हमें फंसाया और लोगों और देश को चोट पहुंचाई। अदालत के अनुशासन को ठीक करने के लिए जायशेन और नातू को 80 बेतों से दंडित किया जाता है और क्विंग ना कंपनी की रिश्वत को खजाने में जब्त कर लिया जाएगा और राजकुमार ह्यूशंग को 50 लाख रुपए का जुर्माना होता है। पिताजी, पिताजी मदद, पिताजी मदद करिए, पिताजी मेरी मदद करिए, मुझे बचाइए। गुरुजी, आप अपना वक्त लीजिए, मैं वहां आपका इंतजार करता हूं। चलो। मेरे पिताजी ने कहा है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और वो तुम्हें जो चाहे वो इनाम देने के लिए तैयार हैं। वैसे मैं इनाम के लायक काबिल नहीं हूँ, हाँ लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ।
क्या तुम मेरे पिताजी से मिलना चाहते हो? पिताजी से किस लिए? इसीलिए कि बताओ वो जो कुछ भी हो। चलो मैं निकलता हूँ, मेरा पीछा मत करो। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जियांगू का रहने वाला हूँ और जाहिर से बात है अब वहीं पर जाऊंगा। चलो रुको।